पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुई हिंसा मामले में भारत में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले में भारत में कई जगह विरोध किया गया, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। मीनाक्षी लेखी ने कहा है, इस मामले पर मैंने अभी तक कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं सुना है। मैं नहीं जानती कि नवजोत सिंह सिद्धू कहां भाग गए। अगर इन सब के बाद भी वो ISI प्रमुख को गले लगाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को इस पर गौर करना चाहिए। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ननकाना साहिब का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह बाबा नानक का मंदिर है और दुनिया भर के सिखों के लिए महत्वपूर्ण है। बाबा नानक का जन्म यहीं हुआ था। यह सिख धर्म का पवित्र स्थल है। लेखी ने पाकिस्तान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस बात की भी धमकी दी है कि ननकाना साहिब का नाम बदलकर गुलाम ए मुस्तफ़ा कर दिया जाएगा, वो भी 21वीं सदी में। ये तो पाकिस्तान के हालत हैं। लेखी ने कहा, पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों और अल्पसंख्यकों पर लगातार हिंसा की घटनाएं होती आई है। वहीं दशकों से अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन किया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का धर्म परिवर्तन भी कराया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हजारों सबूत है जब वहाँ युवा लड़कियों को उठाया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और मुस्लिम लड़कों से शादी कराई गई। वहाँ पुलिस, सरकार और अन्य एजेंसियां इस प्रक्रिया का हिस्सा है। निखिल कुमार के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।